सतेज इधर इधर आइए, यहाँ पे अरे सतेज मेरे को इधर चाहिए, इधर लेना, इधर आइए मैडम जी, यहाँ पे यहाँ पे रेड कार्पेट पे सर, मैडम रेड कार्पेट पीछे माई आपके लेफ्ट में थोड़ा माई यहाँ पे नहीं दिख रहा माही यहाँ पे तीनों का करना है मैडम मैडम जिमी सर हाँ कौन है सब लोग साथ में आइए सब लोग आ जाओ जिमी जी जिमी जी जी चल चल चलो 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 पीछे आ दो पीछे आ दो फिर सर पीछे जाना है थोड़ा सर और एक यार गलती है फ्रंट चलो फिर लुक फ्रंट चलो अभी तीनों का चार का तीनों का तीनों से आप सेंटर में आइए सर सामने सर सामने नहीं देखा सेंटर में देखो सर सर एक फ्रंट 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 सपने वाली इधर ही है सेंटर सेंटर ऑल ऑफ दे दो देखिए ए एक बार सेंटर में यहाँ पे सर को लगा दो जिमी जी के हाँ अरे दो होना चाहिए दो चाहिए और एक दे दो ना और एक सर और एक है क्या बंदूक और एक है क्या एक ही है चलो एक दोनों का माई जी माई और जिमी जी ये व्हाइट लाइट राजा भाई मतलब चित्रंगा जी यहाँ पे मैम यहाँ पे देखो मैडम जी यहाँ पे भाई पीछे से हट जाओ मैडम यहाँ पे मैडम चित्रंगा जी होल्ड सर यहाँ पे थैंक यू सर बैठिए सर भाई दादा थोड़ा पीछे से दादा 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 थोड़ा और आ जाओ दादा थोड़ा और आ जाओ प्लीज आपके यहाँ पे माई जी माई जी माई जी माई जी सेंटर में हाँ नहीं इधर ही हाँ
वॉशरूम जा रही है। अरे वाह, लंबा समय हो गया है, लंबे समय के बाद स्टेज पर यहाँ पर आज की दोपहर में रंगीली रुचि आप लोगों के साथ में, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए, बहुत मिस किया इन तालियों को, कम ऑन। ओके, थैंक यू सो मच। सो यस, मैं हूँ रंगीली रुचि, यू गाइस लिसन टू मी ऑन रेडियो इन द मॉर्निंग, और आज की दोपहर में यहाँ पर आई हूँ क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो कि बोल्ड है, डार्क है, इंटेंस है, इंट्रीगिंग है, थ्रिलिंग है, साहिब बीवी और गैंगस्टर 3 एक बार फिर से आपके सामने लेकर के आई हूं मैं, जोरदार तालियां हो जाए। नाउ वी नो दैट दिस फ्रेंचाइज हैज बीन रनिंग फॉर रियली लॉन्ग टाइम और ये तीसरा इंस्टॉलमेंट है ऑफ साहिब बीवी और गैंगस्टर, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा ड्रामा है, थोड़ा सा ज्यादा लव है, या मैं कहूं थोड़ा सा ज्यादा लस्ट है। एक बार फिर से, ओ आई लाइक दैट, एक बार फिर से करके बताइए जरा। ओके, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी दैट द ट्रेलर इटसेल्फ इज सेटिंग बेंचमार्क्स, हैविंग क्रॉस्ड 12 मिलियन व्यूज ऑलरेडी। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेक यू ऑन द जर्नी ऑफ सैक्रिफाइसेस, ड्रीम्स एंड लव ऑफ द साहिब, द बीवी एंड द गैंगस्टर। हो जाए एक बार फिर से ट्रेलर, जोरदार तालियों के साथ में शुरू करेंगे, टेक अ लुक वंस अगेन। जिसे ऑलरेडी 12 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं ऑन YouTube,
लेकिन आज की दोपहर हम यहाँ पर आए हैं स्पेसिफिकली टू टॉक अबाउट द म्यूजिक ऑफ द फिल्म साहिब बीवी और गैंगस्टर 3। एक गाना जो कि ऑलरेडी आप लोगों के सामने आ चुका है, वो एक ऐसा गाना है जो कि साहिब बीवी और गैंगस्टर के फर्स्ट पार्ट से इस फिल्म के साथ में, इस फ्रेंचाइज के साथ में जुड़ा हुआ है, एंड द सॉन्ग इज जुगनी। इसके पहले पंजाबी वर्जन लेकर के हम आपके सामने आए थे, जिसमें बब्बू मान और जैजी बी ने साथ में मिल करके बहुत ही फैब्यूलसली ये गाने को क्रिएट किया था। लेकिन अब इसे रिक्रिएट किया गया है एक राजस्थानी वर्जन में, जिसका एक छोटा सा जो पार्ट है, छोटी सी झलकी आप ट्रेलर में भी सुन चुके हैं। और इसका जो पूरा गाना है वो इतना खूबसूरती से शूट किया गया है, लेट मी टेल यू, द सॉन्ग हैज द वल्नरेबल साइड ऑफ द बीवी माही गिल एंड ऑब्वियसली द डेंजरस गैंगस्टर संजय दत्त। लेट मी टेक यू ऑन दिस जर्नी ऑफ द सॉन्ग जुगनी, प्रेजेंटिंग द सॉन्ग। एक्चुअली यहाँ नहीं, हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं आपको, सो एवरीबडी हु इज अ पार्ट ऑफ दिस आफ्टरनून, इन स्क्रीन पे जरा ध्यान दीजिएगा, एंड लेट्स हैव जुगनी। ऐसा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि थोड़ा सा ज्यादा डार्क है, थोड़ा सा ज्यादा इंटेंस है, थोड़ा सा और एडेड ड्रामा है, तो वो सब कुछ आपने इस गाने में देखा। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये जो राजस्थानी वर्जन ऑफ जुगनी है, केसरिया जुगनी, दिस इज बीन संग बाय नूरान सिस्टर्स, ऑल्सो लिखा है कुमार जी ने और कंपोज किया है अनजान जी ने, शॉट बाय अजय अरोरा, सो जोरदार तालियां फॉर ऑल ऑफ देम, सच अ ब्रिलियंट वीडियो इट इज ऑफ द सॉन्ग। बट आगे बढ़ते हुए स्पेसिफिकली हम जिस गाने के बारे में बात करने के लिए आज की दोपहर यहाँ आए हैं, वो एक ऐसा गाना है जो कि हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, अराउंड 44 years, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 44 years हम इस 54 years, ओके मैथमेटिक्स, 54 years से हम इस गाने को सुनते आ रहे हैं। और अब जो आज हम जिस वर्जन को आपके सामने लेकर के आने वाले हैं, इस वर्जन को होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड, आप लोग कमिंग 54 years तक याद रखेंगे, सुनते चले जाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द आइकॉनिक सॉन्ग, लता जी का गाया हुआ गाना फ्रॉम द फिल्म वो कौन थी लग जा गले, जिसे रिक्रिएट किया जा रहा है, एक प्रमोशनल वीडियो भी इसके लिए बनाया गया है। द सॉन्ग हैज बीन संग बाय, रिक्रिएटेड बाय जोनिता गांधी, एज वी ऑल नो शी इज अ फैब्यूलस सिंगर, इतनी प्यारी आवाज है इनकी। तो चलिए सबसे पहले आपको ये गाना दिखाते हैं और उसके बाद में इस गाने के बारे में और थोड़ी सी बातें करेंगे और थोड़ा सा बताऊंगी मैं आपको इस गाने के बारे में। सो लेट्स हैव द सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम आप सभी लोगों के सामने, आप सभी लोगों के लिए, लग जा गले फ्रॉम साहिब बीवी और गैंगस्टर 3। इज सो गुड, सच अ मेस्मराइजिंग सॉन्ग एंड सच अ ब्यूटिफुली मेड वीडियो, अजय अरोरा थैंक यू सो मच, इट वॉज ब्यूटिफुल। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं, कम पड़ी थी यार पहली बार की तालियां, कम ऑन, लेट्स गिव इट अप फॉर द मेकर्स ऑफ द फिल्म, द सॉन्ग एंड ऑल्सो द 3 ब्यूटिफुल वंडरफुल गॉर्जियस वुमेन जो कि इस गाने में दिखाई दी है। टू टॉक मोर अबाउट दिस सॉन्ग, मैं सबसे पहले तो बुलाना चाहूंगी द प्रेजेंटर ऑफ द फिल्म राजू चड्डा जी को ऑन स्टेज, प्लीज आइए ज्वाइन मी। उसी के साथ में फिल्म मेकर एंड अवार्ड विनिंग प्रोड्यूसर राहुल मित्रा जी, कैन वी हैव यू ऑल्सो ऑन स्टेज प्लीज, सच अ प्लेजर टू हैव यू हियर ऑलवेज। नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया, एंड नाउ द साहिब जिमी शेरगिल, प्लीज कम, प्लीज ज्वाइन मी ऑन स्टेज, द बीवी माही गिल, ओके द सीजलिंग हॉट चित्रांगदा सिंह, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज, जोनिता गांधी हु हैज संग दिस वर्जन ऑफ द क्लासिक सॉन्ग, एंड ऑफ कोर्स सारेगामा कंटेंट हेड साफिया अली, नो नो वी डेफिनेटली वांट टू हैव यू ऑन स्टेज, वैसे भी तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, साफिया प्लीज कम ज्वाइन अस। राजू जी सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, तो आप माइक अपने पास ही रखिए, मैं आपसे जानना चाहती थी थर्ड इंस्टॉलमेंट इस फ्रेंचाइज में, साहिब बीवी गैंगस्टर के फ्रेंचाइज में ये लेकर के आए हैं आप, ऐसा क्या हुआ था कि आपने सोचा दैट यू नो दिस थर्ड फ्रेंचाइज शुड बी मेड, तीसरी बार बनना चाहिए कुछ? पहले जो दो मूवीज आई थी साहिब बीवी 1 एंड साहिब बीवी रिटर्न, I heard a lot of good reviews about it. Ji. And then Rahul ji is like a younger brother to me. He came to me with the, we want to make Sai Bibi Gangster Part 3. Ji. And he wanted to tell me the script. I don't want to listen to the script. Just go ahead with it. Ajay. I was so confident about this movie.
बट इंस्टिंक्ट जो थे वो एकदम क्लियर थे कि बनना ही है. राहुल जी आपसे भी जानना चाहूंगी मैं कि लग जा गले आज जिस गाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, पर्टिकुलरली इसी गाने को आपने रिक्रिएट करने का क्यों सोचा इस फिल्म के लिए? हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर कमिंग. लग जा गले पहले सेकंड पार्ट में भी था जी, तिग्वांशु के दिल के बहुत करीब है ये गाना और हम सबको बहुत अच्छा लगता है. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी फिल्म का एसेंस है वो इस गाने में एक्ट बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर करता है. जितने सारे कैरेक्टर्स हैं, सारे कैरेक्टर्स ग्रे हैं बट कहीं ना कहीं दिल में सब एक दूसरे को यही बोल रहे हैं कि यार लग जा गले. सो आई थिंक इट, लेकिन अब वो लगते हैं कि नहीं क्या होता है तो आप फिल्म देखेंगे, बट आई थिंक इट एपिटमाइजेस द एसेंस ऑफ साहिब बीवी और गैंगस्टर, जो क्रेव कर रहे हैं, जो प्यार सब लोग क्रेव कर रहे हैं और वो पाने के लिए जो सब षड्यंत्र रचते हैं. सो एक तो ये था और दूसरा हम बहुत खुश हैं हमारी एसोसिएशन सारेगामा के साथ. बिल्कुल. और इन्होंने हमें गाना दिया यूज़ करने के लिए फिल्म में भी और ये जो हमने रिप्राइज वर्जन जो आपने अभी देखा, तो एकदम फिट बैठता है और हम सबको बहुत पसंद है, इसलिए लग जा गले. क्या बात है, थैंक यू सो मच. एंड इफ दिस इज द एसेंस ऑफ द फिल्म जैसा आप कह रहे हैं तो आई एम श्योर सुपर हिट है ऑलरेडी, आपको बता दूं मैं. थैंक यू सो मच फॉर दिस वर्जन ऑफ द सॉन्ग, इट्स ब्यूटिफुल. तिग्मांशु आपसे मैं जानना चाहती हूँ आज गाने नहीं फिल्म के बारे में, लेकिन क्योंकि संजय दत्त आज के इस इवेंट में नहीं आ पाए हैं तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या था कि आपने संजय दत्त को एज ए गैंगस्टर लिया इस फिल्म में? व्हाट वाज इट इन योर हेड? क्या मतलब ऐसा क्या दिमाग में था? बिकॉज क्लियरली अभी हम देख रहे हैं कि अलग अलग शेड्स अब हमें उनके दिखाई दे रहे हैं विद द रीसेंट फिल्म्स जो आ रही हैं उनको लेकर के. साहिब बीवी का एक स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, साहिब और बीवी वही रहते हैं और गैंगस्टर बदलता है. पहली वाली में रणदीप था हुडा और दूसरी में इरफान था और ग्रो कर रही है साहिब बीवी एज ए फ्रेंचाइज, स्केल में भी कहानी में भी बड़ा पना आ रहा है उसमें. बिल्कुल. तो एक जाहिर सी बात है कि गैंगस्टर हमको संजय दत्त से अच्छा कोई मिल नहीं सकता था. प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि फोर्थ में क्या करेंगे. नाउ दिस इज अ लेवल. या इट हैज टू बी तिग्मांशु, यू विल हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म. अगर कोई नहीं रहा फिर मैं ही बनूंगा गैंगस्टर. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दैट. जिमी आई थिंक हम माइक आप तक पहुंचाएं. आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि इस वीडियो में तो वैसे तीनों जो लेडीज हैं उन्होंने धूम मचा दी है, लेकिन आपकी कोई मेमोरीज हैं विद दिस सॉन्ग? इतने सालों से हम इस गाने को सुनते आ रहे हैं, सो एवरीबॉडी हैज मेमोरीज. तो आई थिंक हम सबकी हैं, लेकिन ये राहुल ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो एसेंस है फिल्म का कि लग जा गले वो इस गाने के थ्रू आ रहा है. बस यही है कि लग जा गले और फिर हाथ में खंजर है पीछे. तो वो एसेंस है हमारी पिक्चर का. आपके गले कोई लग रहा है कि नहीं लग रहा है फिर इस फिल्म में? ये एडी से पूछ लीजिए जरा गले. बहुत सारे लोग लग रहे हैं इनके गले. ओह माय गॉड. माही मैं आपसे जानना चाहूंगी, देयर वाज दिस वन यू नो सीन, वन शॉट जिसमें आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और मैंने ऐसा सुना है कि वो आप सही में रो दी थी इस गाने के शूट के दौरान. ऐसा क्या हुआ था? मुझे अजय ने बोला था कि जो आपका कैरेक्टर है वो थोड़ा मैं ग्रे और इसलिए मुझे ब्लैक कपड़े पहनाए थे जी. और चित्रांगदा का काफ़ी ब्राइट वो वैसा है तो आपको रोना और बहुत सैड लगना है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो वो जब सीक्वेंस शूट कर रहे थे रोने का तो मैं रो लेती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं. अभी मुझे बोलो रोने को अभी रोने लग जाऊंगी. तो वो कोई आई नेवर यूज ग्लिसरीन तो मैं तो ऐसे ही रो लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब सिर्फ घूरते रहो ऐसे देख के रोना आ जाएगा. अच्छा ऐसा था या फिर नहीं, कुछ इमोशंस ऐसे थोड़े से? हाँ मेरे कुछ ऐसी चीजें होती हैं मेरे बैक ऑफ द माइंड जो मैं याद कर लेती हूँ और मैं जल्दी रो लेती हूँ. Oh God, yeah, okay. This is ये सही बात कही ना आपने. आपको रुलाए? कब रुलाए? अब छोड़िए. पूरी फिल्म के दौरान. Wonderful. अभी आप हंसाने वाली हैं सबको. इनको तो स्पेशली जब फिल्म रिलीज होगी और सुपर हिट हो जाएगी तो भूल चूक माफ हो जाएगी यहाँ पर. चित्रांगदा आपसे मैं जानना चाहती हूँ, सबसे पहले तो इतना खूबसूरत वीडियो बना है ये, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी बेस्ट एंड वर्स्ट पार्ट ऑफ लविंग अ गैंगस्टर क्या लगा आपको? बेस्ट एंड द वर्स्ट. द बेस्ट इज दैट ही इज द गुड बैड गाय. ओके सो आई थिंक दैट्स ऑलवेज वेरी अट्रैक्टिव इजंट इट
जो इतना चाइल्ड लाइक है वो आई एम टॉकिंग अबाउट संजू एब्सोल्युटली एंड एट द सेम टाइम ही कैन हैव दिस बैड साइड ऑफ हिम सो ही इज लाइक अ बॉय एंड अ मैन टुगेदर सो दैट्स इंटरेस्टिंग दैट्स अ गुड मिक्स सो दैट्स लाइक द बेस्ट पार्ट ऑफ रोमांसिंग अ गैंगस्टर वर्स्ट पार्ट क्या है वो मिलता नहीं है उसको टाइम नहीं है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम नहीं है And so, we say, Baba is back. Baba is back. Where is Baba? Where is Baba? But yes, milte nahi. Wow, that was wonderful. Thank you. Jonita? Yes. Okay, coming to you. Oh, great. Great. You deserve it. Definitely. Dono se baat. Ek se baat kijiye, ek se gaiye. I know ki, you know, aapne ye jo gaana recreate kiya hai, kaafi pressure feel hua hoga aapko is gaane ko recreate karne ke pehle, kyunki itna classic, itna bada gaana raha hai. थैंकफुली मैं कहना चाहूँगी कि शब्द जो हैं वो वही रखे गए हैं सो जो भाव है वो गाने का बदला नहीं है बदन आपका क्या कहना है आपको भी ऐसा लग रहा था क्या कि ओह माय गॉड मुझे ये गाना रिक्रिएट करना है कर पाऊंगी नहीं एक्चुअली यस व्हेन आई फर्स्ट फाउंड आउट आई वाज एक्साइटेड बट आल्सो एक्सट्रीमली नर्वस दिस सॉन्ग इज क्लोज टू एवरीवन्स हार्ट इट्स आल्सो वेरी क्लोज टू माय हार्ट एक्चुअली द फर्स्ट टाइम आई एवर टूर्ड विद एन इंडियन आर्टिस्ट सोनू निगम जी This was the first song I sang on his tour. Oh, really? It opened the entire concert for, I think, 18 concerts in a row. So I love this song very dearly. And when I found out I had to sing it, I was a little stressed. But I want to say thank you actually to Rana Ji, Rana Mazumdar, who, is he here? He's not here. Okay, he's not here. But he's the one who's reproduced the song and rearranged it. And I think he did an amazing job of keeping the essence of the original because what Madan Mohan ji and Lata ji have done, nobody can ever Absolutely. Do justice to what they've done. No doubt. And I'm just happy that I was part of something that shows our love. It's a beautiful tribute, I feel, to them. And I'm thankful to the entire team for keeping such a gem in a new film. So. And the feeling is mutual, so don't worry about that. मैं वही कहने वाली थी कि दो लाइनें तो गानी ही पड़ेंगी आपको लगे जा गले के फिर ये हसी रात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो लग जा गले माय गॉड आई स्टिल गेट सो नर्वस टू सिंग दिस सॉन्ग बिकॉज़ इट्स सच अ स्पेशल सॉन्ग टू मी नहीं मतलब आपके तो यहाँ पर वाइब्रेट करता है कुछ ऐसा स्प्रिंग रिंग लगा के रखा है आपने हमसे तो नहीं निकलती ऐसी आवाज वंडरफुल यार दिस इज सो गुड ऑल द बेस्ट यार फॉर दिस सॉन्ग चित्रांगदा एंड माही शुड आल्सो सिंग अ लाइन ऑफ द सॉन्ग अब तो करना पड़ेगा जिमी ओके थ्री ऑफ यू टुगेदर जिमी ने एंड बोथ द लवली गर्ल्स इन्होंने एक एक्ट तैयार किया आज स्पेशली आज सबके लिए तो जो आपके सामने अभी पेशक खिदमत एक स्पेशल एक्ट बाय जिमी एंड बोथ द रैविशिंग ब्यूटीफुल गर्ल्स स्पेशल डिमांड हो गई है आई जस्ट वांट टू से दैट जिमी सिंग्स रियली वेल सो प्लीज आस्क हिम टू सिंग बिकॉज़ एक इनके वर्जन हो चुका है फीमेल और एक मेल वॉइस में भी होना चाहिए कुछ तो वो भी कर लेते हैं स्पेशल एक्ट भी कर लेते हैं ये तो बनता है इन लोगों को अब प्लीज अब बोलिएगा मत अब गाइए आप डायलॉग मत मारिएगा अब गाइए इनका रोज का काम है प्रमोशन में पहले ये भाव खाते हैं फिर बोलेंगे जिमी गाएंगे फिर जिमी अगर या तो गा भी देगा इतनी गंदी आवाज होगी उसकी इनकी आवाज अच्छी लगेगी आपको और अगर नहीं भी गाएगा तो ये होगा कि हम लोग स्पॉट हैं हम लोग गाएंगे और इसने नहीं गाया तो हर तरफ से इनकी विन विन सिचुएशन है तो मैं माथा टेकता हूँ इनको कहता हूँ आइए आगे दो लाइनें सुनाइए क्योंकि ये हमारा एक गुडविल जेस्चर है आइए मैम आ जाओ कमन देखिए बन चुका है हमारा ये फॉर द गुड लक फॉर द फिल्म Okay, जी साथ में गा रही है चलिए अब तो गा दीजिए वाओ दिस लुक्स वंडरफुल नीचे जोनिता नीचे बैठ के गाएंगे इतना स्केल ये सर ऐसे करेंगे मैम
ओके लेट्स स्टार्ट ओके फिर जीत गए जिमी फिर जीत गए चित्रांगदा हम क्यों गिव अप कर देते हैं हम क्यों गिव अप करते हैं यार इसे गा दो नहीं तो मैं गा पड़ूंगा अच्छा आई विल सिंग इट अ लिटिल लोअर सो वी ऑल कैन सिंग टुगेदर राहुल लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले क्या बात है ओह माय गॉड दिस वाज आउटस्टैंडिंग एंड नेक्स्ट फिल्म में आपने गैंगस्टर नहीं आपने सिंगर बनना है माय गॉड ही वाज आउटस्टैंडिंग ओके सो आई थिंक लोग इंतजार कर रहे हैं कि आपसे सवाल पूछे लेकिन उसके पहले एक आखिरी सवाल आपसे जरूर पूछूंगी मैं सफिया नहीं यू हैव टू टेल मी दिस कि पूरी एल्बम जो हम अभी तक सुन रहे हैं अलग अलग गाने आ रहे हैं अलग अलग जॉनर्स में अलग अलग एनर्जी में गाने आ रहे हैं सो वॉज इट लाइक अ कॉन्शियस डिसीजन कि हर गाने को एक अलग टेम्पो में अलग टाइप की फील में रखा जाए पूरी एल्बम पैकेज में साउंड करनी चाहिए हाँ पैकेज नहीं कहूँगी मैं आई थिंक दे आर ब्यूटिफुल मूड्स एंड ब्यूटिफुल मेलोडीज एंड रिदम्स दैट वी ट्राई टू कैप्चर एज सारेगामा विच इज द ओल्डेस्ट music company we have the first song ever recorded in India with us wow. from there to here you know there's one of my favorite authors is Maya Angelou and she says you will forget what people say you will forget what people do but you will not forget how you made them feel and I think music does that to all of us it makes us feel a certain way and hamari ye koshish hai ki at Sarigama कि हम गाने अलग अलग फील के लिए कराएं कमिंग टू एंड ऑफ कोर्स द होल एल्बम हैज़ सम ब्यूटीफुल म्यूजिक इन साहेब बीबी गैंगस्टर डिस्पाइट इट बीइंग अ कंटेंट फिल्म जिसमें आप स्टोरी इज द किंग देयर तो डिस्पाइट दैट आई थिंक दे हैव केप्ट अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ देयर हार्ट इन म्यूजिक विच इज़ वाई सारेगामा इज एसोसिएटेड विद इट And when they said lag ja gale to sold nahi no to phir hum thoda sa piche ho jate hain really? To be honest lag ja gale ek aisa gana hai I don't know if I've ever told this to you rahul ki OTT platform ho radio ho koi bhi aap usko kisi cheez pe bhi dalein youtube pe dalein it's the most viewed song That's most why we listened asked for it. So it's part of my family's jewels to hum bahut mushkil se bahut you know ye soch ke ki ye acha is jaise unhone kaha ki usko justice dena chahiye uska uski essence rakhna chahiye uska jo dil hai wo wahi rehna chahiye jab hum sab dekh rahe the wo to I was watching ki kon kon ga raha hai saath mein if it makes you sing and if it makes you feel a certain way here it hits you I think it's done that Thank you so much for keeping Lag Ja Gale as is, and of course the song is beautiful. So we Absolutely. Hope people like it. Very well said, yeah. Very well said. Thank you so much, all of you lovely people on stage. चलिए यहाँ पर सवाल-जवाब शुरू करते हैं. If you have any questions for the Saheb, BV, Gangster is not here, but then yes, Chitrangada or the whole team here of Saheb, BV and Gangster 3, तो हो जाए. पहला सवाल. सारे सवाल हो गए अच्छा वी डू हैव वन हाय जिमी चित्रन का हाय माही तिग्मांशु सर मैं जानना चाहूँगा ये जो गाना आप लोगों ने लिया है क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि आज के दौर में जो मेलेडी है वो अब सिर्फ बीट्स और रिदम पर ही आकर ठहर गई है वैसे गाने नहीं बनते जैसे पुराने जमाने में बनते थे एक गोल्डन इरा कहा जाता था जिसमें शब्दों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था और आज भी वो गाने याद किए जाते हैं आज गाने आते हैं भुला दिए जाते हैं तो आप लोगों का क्या टेक है कुछ बताएंगे आपका सवाल एकदम सही है आपका कहना आपका असेसमेंट ऑब्जर्वेशन आपका एकदम सही है कि शब्दों को कोई तवज्जो नहीं मिलती है ग्रूव पे गाना बजता है पानी 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 गाना है कोई है तो
अब हम जैसे लोग जो कि कोशिश कर रहे हैं, हमेशा हमेशा मेरी तो कोशिश रही है कि सिनेमा को आगे बढ़ाना चाहिए, वो कभी अच्छी परफॉर्मेंस से, कभी अच्छी कहानी से, कभी अच्छे म्यूजिक से, लिरिक्स को पे ध्यान देना चाहिए, अच्छी मेलोडीज दोबारा आए. लेकिन अगर मेलोडीज आती हैं अच्छी, जो कि बहुत कम आती, तो हमेशा चलती हैं, तो मेलोडी तो हमेशा ही रहेगी, खासकर हिंदी फिल्म म्यूजिक में. तो लग जाए अगले कैसा गाना, एक दो और भी गाने जो मैं इनसे कहूँगा अगली पिक्चर में आप दीजिएगा मुझे. तो ये है कि आपका कहना बिल्कुल सही है, अब कोशिश ये रहेगी कि अच्छे गाने आए, अच्छे म्यूजिक. लिरिक्स पे कोई ध्यान देता नहीं है, तो लिरिक्स पे भी ध्यान देना चाहिए, आप लोगों को भी लिखना चाहिए ऐसी चीज़ों के बारे में. जिम्मेदारी सबकी है भाई साहब, सिर्फ हमारी थोड़ी है. माही, चित्रांगा, जिम्मी, क्या कहना चाहेंगे आप तीनों इस बारे में? मुझे भी ये लगता है कि आजकल गाने हम देखते हैं, सुनते नहीं हैं, ये बात सही है बस. हाँ, लेकिन हाँ, अच्छे गाने इस फिल्म में आप देखिएगा, सुनिएगा, सुनने को मिलेंगे अच्छे गाने और आपको अच्छे भी लगेंगे. आपके सवाल का जो दूसरा पार्ट था उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा. जब आपने कहा कि ये गाना क्यों है इस फिल्म के लिए, तो मैं कहता हूँ वही एक सेकेंड पार्ट में भी ये गाना था, तो उस हवेलियों में, उसमें सब कुछ में एक नॉस्टैल्जिया है जो कि इस गाने में भी है, और एक वो जो, तो वो आई थिंक हॉन्टिंग मेलोडी जिसको कहते हैं, तो वो चीज़ जो है वो इस गाने में है, जो मुझे लगता है कि फिल्म की ज़रूरत थी, तो वो वहाँ से आया था. दिग्वांशु सर, आप इधर सरप्राइज पैकेज थे अभी जोनिता के बाद, आपका जो सबसे ज्यादा सुर लग रहे थे. अच्छा, साहेब बीवी गैंगस्टर के फ्रेंचाइज के इरफान साहब भी रहे हैं इस साहब, तो कहीं उनकी तबीयत के बारे में आप कुछ बता पाएंगे, क्योंकि आप उनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं. जैसा कि पता है कि आई थिंक वो इज रिस्पॉन्डिंग वेल टू द मेडिसिन, ट्रीटमेंट चल रहा है उसका. अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसे होती है, वैसे ही जाता है, घूमता है. अभी वो कारवां की वहाँ जो फिल्म आने वाली, उसकी स्क्रीनिंग पे भी गया था, और कुछ लोग जो मिलके भी आए हैं, सतीश जी गए थे, सतीश कौशिक साहब, मीरा नायर भी मिलके. तो ठीक है, ठीक है. आइकॉनिक सॉन्ग है, लता जी की तरफ से कोई मैसेज मिला है या आप लोगों ने अप्रोच किया है, क्योंकि उनका भी फेवरेट सॉन्ग है, जब 50 साल पूरे हुए थे गाने को उन्होंने ट्वीट किया था इस सॉन्ग के लिए. जी नहीं, उनको हम, मैं तो डर गया, मैंने कहा उनको बोलो मना कर दिया तो तो सीधे सारे गाँव के पास ही गए. उनको तो नहीं अप्रोच किया उनसे हमने, बट आई होप आप लोगों के जरिए उन तक ये गाना पहुँच जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा. लोग क्योंकि कतराते हैं इतने आइकॉनिक सॉन्ग्स को छूने से भी, तो कहीं ना कहीं इसीलिए हमने लज्जा गले के साथ आज छेड़छाड़ नहीं की सिर्फ, और अरेंजमेंट की भी जो मेलोडी है, ता रा 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 रा, वो भी वैसे ही रखा है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स बदल दिए. ये पूरा पोर्शन सितार में आ गया है, कहीं कहीं और स्ट्रिंग्स में आ गया है, तो हमने ज़्यादा छेड़ा नहीं है. मैम, आपसे सवाल है, 90 मिलियन व्यूज हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर, अब यहाँ पर ऐड होने से और कुछ और मिलियन ऐड हो जाएगा, बिजनेस के तौर पर भी वो कुछ और मिलियन के लिए हमने ये गाना नहीं दिया है. टू बी ऑनेस्ट, गाना इसलिए है कि आई थिंक द अदर पार्ट दैट वी डोंट, वी समहाउ फॉरगेट, और मुझे लगता है कि हमें, मैं खुद एक प्योरिस्ट हूँ, एंड आई थिंक जो गाने हैं वो वही हैं. आई वॉज टॉकिंग टू चित्रांगदा एंड माही एंड टेलिंग देम कि वो हमने साधना जी पे देखा है, तो यू नो, सो यू कॉन्स्टेंटली कंपेयर ना, हम भी तो कंपेयर करते रहते हैं कि ये गाना उस लेवल तक आया है कि नहीं. सिंगर्स भी जब टेस्ट करते हैं तो वो ये गाने गा के टेस्ट करते हैं कि हैव आई रीच दैट लेवल दैट आई कैन सिंग दिस, एंड आई थिंक जोनिता हैज डन अ ट्रमेंडस जॉब व्हेन इट कम्स टू दिस सॉन्ग. सो यू कॉन्स्टेंटली, हम में से हम लोग गाना शायद गाते भी नहीं होंगे उतने सुर से, लेकिन हम उसको जज उतना ही करते हैं कि ये उस लेवल पर पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है. सो that is one part, and that's why people like Jonita and the younger singers should be and younger audience should be exposed to songs, classics like these, ki this is our standard, this is the gold standard, right? Aur us tak pahunchna bhi ek journey hai, and they should be exposed to this in a new way ki ye bhi kar sakte hain hum is gaane ke sath. She's done justice ki wo waise hi rakhe, lekin apna touch bhi to add kiya. You remember it as a Jonita song as well now. I would like to think so, and I hope it creates those kind of standards for us aage jaake, taki hum gold gaano ko aur cinema ko, aur I'm sure Digmanshu and the actors will also agree, we watch that kind of cinema to be able to do
what we want to go ahead and do. So we should be exposed to more. I'm of the opinion that we should recreate, but do a bloody good job of it. Thank you. Hi, Nikita here. Hi, everyone. One thing that we all are missing is the gangster of the film is Sanjay Dutt. Can you please tell us, there have been a lot of promotional activities where he's not been a part of it. So if you might want to clarify as to why is he missing for so long? Sanju is shooting for Prasthanam. He just came here for a couple of hours for Manita's birthday and he had a commitment and we were all together. He's talking to everybody from Lucknow. 25th, we are all traveling. 24th, it's Rajuji's birthday, so we are all celebrating together, the presenter of the film. All of us are going to be there, including Sanju. 25th, we are doing all the studio interviews and everything. So, I mean, all of them have been busy. Jimmy wasn't coming for this function, and in the end, he was able to manage and he's here. So I think all of them are busy actors. And it just so happened because Sanju is just shooting back to back. So, and right after Prasthanam, he gets back into my next film, which is Torbaz. So, the reports of Sanju being unhappy or Sanju not coming, absolutely wrong. When I was just sitting and just before we started, his last call was to me, Paji, really missing and I hope and everything. And while we're talking right now, he would have landed and he would be with the media in Lucknow. So, Sanju is very excited to be a part of this film. And he's very much there, and you'll all see him. Thank you for that clarification. One more thing that we want to clarify is that there have been rumors about it, that the fact that he doesn't want to face the media because of what was shown in his biopic, Sanjay, about the media bashing, which a lot of people in the media are not happy about. Is there any word regarding it as he's part of the film and he's not bad? People are assuming that it's because he doesn't want to talk on the topic is why he's not here. If you want to clarify on that as well. I think it's nothing. That film is out, over. I think whatever, he's already given a few interviews. I remember when we were shooting the Jugni song and he was shooting and he met up with few people and there were some interviews. And he just clarified his stand. I mean, whatever he is, that's the good thing about Sanju. I mean, he's not pretentious. Whatever is inside is on his tongue. And there is absolutely no reason for him to avoid promotions or not be there, etc. And he's, I think, most excited amongst all of us. He's the one who's most excited. Thank you so much. Chitrangda, after successful inning as an actor and a producer, now we are turning as a film writer. Tell us something about that. उसके बारे में बाद में बात करेंगे. अभी वो चल रहा है काम. दो scripts हैं जो अभी lock हुए हैं, तो उसपे काम चल रहा है. Let's see how that shapes up. Thank you. Thank you so much. Thank you for the questions. And just a second, ek photo op karte hain. I would request you all to please stay on stage. Photo op se pehle main lekin ek special thanks zarur bolna chahungi to Inox and their team, Siddharth Jain, Alok Tandon, Saurabh Verma, Abhishek Bhatla, Royston D'Souza. Thank you so much for your support. And let's have a quick photo op and then we'll get into. Thank you so much, ladies and gentlemen. And don't forget to watch Sahib Biwi and Gangster 3. Main Rangili Ruchi, ek bar phir se aapko thank you so much bolna chahti hu dil se that you guys came here for this event. See you guys soon. Thank you.
Thank you for that clarification. One more thing that we want to clarify is that there have been rumors about it, that the fact that he doesn't want to face the media because of what was shown in his biopic, Sanjay, about the media bashing, which a lot of people in the media are not happy about. Is there any word regarding it, as he's part of the film and he's not bred? People are assuming that it's because he doesn't want to talk on the topic is why he's not here. If you want to clarify on that as well. No, I think it's nothing. That film is out, over, I think, whatever. He's already given a few interviews. I remember when we were shooting the Jugni song, and he was shooting, and he met up with a few people, and there were some interviews, and he just clarified his stand. I mean, whatever he is, that's the good thing about Sanju. I mean, he's not pretentious. Whatever is inside is on his tongue, and there is absolutely no reason for him to avoid promotions or not be there, etc. And he's, I think, most excited amongst all of us. He's the one who's most excited. Thank you so much. Chitrangda, after successful inning as an actor and a producer, now we are turning as a film writer. Tell us something about that. उसके बारे में बाद में बात करेंगे. अभी वो चल रहा है काम. दो scripts हैं जो अभी lock हुए हैं, तो उसपे काम चल रहा है. Let's see how that shapes up. Thank you. Thank you so much. Thank you for the questions. Just a second, एक photo op करते हैं. I would request you all to please stay on stage. Photo op se pehle main lekin ek special thanks zarur bolna chahungi to Inox and their team, Siddharth Jain, Alok Tandon, Saurabh Verma, Abhishek Bhatla, Royston D'Souza. Thank you so much for your support, and let's have a quick photo op and then we'll get into Thank you so much, ladies and gentlemen. And don't forget to watch Sahib Biwi and Gangster 3. Main Rangili Ruchi ek bar phir se aapko thank you so much bolna chahti hu dil se that you guys came here for this event. See you guys soon.